नमस्कार मित्रों, कारवा भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम गोवा से रुके थे 80 किलोमीटर दूर और वहां से भी चल के हम आज पहुंचे थे गणपति फुले के पास आरेवारे बीच पे। तो यहां पहुंच के हमने क्या किया, पूरा दिन कैसे बिताया, आइए बताते हैं आपको आज के इस व्लॉग में। तो सर स्पेसिफिकली नाम के साथ बताना पड़ेगा कि आप किसको इंप्रेस करना चाहते हैं इन सब में से। कल्पेश भाई गए, आपका पत्ता कटिया है, देख लेना, खिलाना मुझे। ये राजीव जी आप भी गए, सर कैसे हैंडल करेंगे सर? खिलाने के लिए, पूरा खिलाने के लिए तरीका है। अच्छा जुगाड़ी है, बनाना नहीं पड़े, कच्ची सब्जी ला के दे दो। अच्छा जुगाड़ी है, बड़े खीरे। ये तो हमारे काम का, धनिया की चटनी हमारी वो है, पेटेंट है। बहुत धनिया है, आज चटनी ही चटनी है, फिर आप चटनी की नदियां बहा देंगे अपन। ये क्या खाना, दो खाना दो। तो सुबह का अल्पाहार हमारे आज आया है बाहर से, ये देखिए इतना स्वादिष्ट दलिया। वो जो पीछे आपको बच्चे दिख रहे हैं उनका ये आहार है जो, यस। और ये हमारे सेटिंग सर, मतलब आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा बच्चों के मुंह का निवाला चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने चेक किया, क्वांटिटी एक्स्ट्रा बनाया। तो वेस्ट जा रहा था, इन्होंने अपना एज कम बताया, वेस्ट जा रहा था। आई एम आल्सो एन एस्पिरेंट इन हिज दिस स्कूल, ओके। सो दे सेड ओके, चलो शुरुआत अच्छे से शुरू करते हैं। भिक्षा पात्र भी काम आ गया, ये भिक्षा पात्र भी काम। ये देखिए भिक्षा पात्र है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग किचन में हाँ जाने का, फिर कुछ 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 लेने का, सब चीजों का टेस्ट भी पूरा आए, इसलिए अलग अलग उसमें खंड होने चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। तो जी हम कुछ लाए हैं तो कुछ देना भी है फिर। वाह वाह वाह, ले लीजिए जी, आप अगर कम करें तो आधा आधा कर लीजिए प्लीज, पकड़िए ना। आ जाइए, जितने हैं उतना तो ले लो, आ जाओ। तो जी कोई भी फौजी देखा है? चलो सिनेमा में देखा है, उरी देखा, बॉर्डर तो खैर मेरे जमाने की मूवी थी, उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सो मौज मस्ती से परे कर्नल अमित ने वहां पर जो बच्चे आए थे उनको ये बताने की कोशिश की कि अगर वो आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। सैन्यात जायला तीन चार लेवल से, एक है जवान म्हणून जायचं, एक है अधिकारी म्हणून जायचं। मी तुम्हाला अधिकारी म्हणून जायचं, आपल्या महाराष्ट्र शासनाची एक संस्था आहे, सैनिकी सेवा पूर्व शिक्षण संस्था, औरंगाबादला आहे। मी त्या संस्थेतून एनडीएला गेलो। सो हो चुका है दिन और मैंने तो स्नान कर लिया, शेष अभी तो मुझे नहीं लगता स्नान जैसा तो किसी का हुआ है, बट इंदु जी लगी हैं कुछ बनाने में। इतने खूबसूरत ढंग से तैयार होके क्या बना रही हैं आप? हाँ, ताकि कोई खूबसूरती खाने में जाए, मैं तो पढ़ना जानी नहीं जानी। क्या 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 कंडे तो अपनाने पड़ते हैं ना, कंडे अपनाने पड़ते हैं, हथ कंडे। अच्छा हथ कंडे, कब का नहा के व्लॉग बन गया 15 मिनट का एडिट? हाँ हाँ आ रहे, बस आप आपके पास आ रहे हैं। अमित भाई एंजॉयिंग? बिल्कुल सर, बस बैठे ना वो। क्या एंजॉयिंग सर, क्या एंजॉयिंग, कुछ एंजॉय नहीं कर रहे। ये देखिए इनके सामने आप क्या कर रहे हैं। मैं अभी तक आई गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर कटिंग टोमेटोस। नहीं पर आप एंजॉय क्या कर रहे हैं, ये देखिए एंजॉय एंजॉयमेंट। मैडम को सिखाया टमाटर कैसे काटने होते। अच्छा देखो, नहीं सेठी मैडम को कहाँ टमाटर काटने आते, आते ही नहीं है। देखो देखिए कहाँ है वो, फिर आपको वो एक्सपोर्ट क्यों करना पड़ा,
करेक्ट मिक्सी हो गया अब। और देखिए आप तय करें भैया कि आनंद LIC जीवन आनंद लेनी है या जीवन आनंद लेना है। पीछे है बीच, यहाँ पर इन्होंने हैमक पे एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया तब से क्या कीजिएगा सर, मतलब है क्या कीजिएगा, तो हमारी थंबनेल भी इसको बनाया जाए तो कम है ऐसा करके। ये है ना पीछे, तू भी बढ़िया एंजॉय कर रहा है, ग्रेट हैमक पे तू भी देखो। ये डुप्लीकेट काम है, मैंने कुछ नहीं किया, वो असली हकदार उसके किरदार वो है, मैं सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा हूँ। किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? मेरे भगवान को। मेरे मेम साहब को सर, और किसको करूंगा अब लाइफ में, और किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई रहा नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, वही वही तभी तो बोल रहा था, मत करो। सुबह से पता नहीं किसी को कुछ दिए जा रहे, किसी को कुछ दिए जा रहे, कर कुछ नहीं रहा हूँ। आज मैंने सिर्फ टमाटर काटे हैं अच्छे से, नोबेल प्राइज टाइप काटे। क्या बात है, नहीं पर करते हुए आप ही दिख रहे हैं सर। है? करते हुए आप ही दिख रहे हैं। देखिए बताइए, हाँ लगे हुए हैं। सो फिलहाल बनी है शाम की कॉफी, और ये बनी है सबके। देखिए कैंपिंग का नियम होता है भाई कि खाना या कोई भी पेय पदार्थ कहीं भी बने, कप सपने अपने होते, सबने अपने अपने कप दिए थे, और हमने सबके लिए बनाई है एकदम तरोताजा कॉफी, जो कि करने वाली है सबको तरोताजा। कॉफी कॉफी फ्री में, कॉफी फ्री में कॉफी। मैडम थैंक यू। आपके दूध की शानदार कॉफी। थैंक यू। और जिस दूध का काम होने वाला था उस दूध की। तो अभी मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ा हूँ, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा और रोशनी ये रही, इतना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, देखते ही बहुत आकर्षित लग रहा है ये बहुत ज़्यादा। और इसके ही साइड में हमारी सारी क्या कैंपरमैन्स हैं, सब में कहीं तो बातें चल रही हैं, कहीं पे खाना बन रहा है, कहीं पे खाना बन के खा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं यहाँ पे। ये होता है कैंपिंग का, कैंपिंग लाइफ का मज़ा। भैया अभी सफाई कर रहे हैं छत की, और मैं अभी शूट कर रही हूँ, इसलिए शूट कर रही है। मैं थोड़ा सा वैसा मेहनत करने वाला, इसलिए छत साफ कर रहा हूँ, क्या करें। और सामने का व्यू देखे कितना अच्छा। हाँ, सामने के व्यू के साथ ही मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी नहीं करता। सो इस प्रकार थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ा सा काम और ढेर सारे आनंद के साथ पूर्ण हुआ हमारा आज का दिन। अगली सुबह का आगाज कैसा हुआ देखिए। चाय चाय चाय, चाय गरम चाय, चाय बोलो चाय। नाइस ऑफ यू। क्या हाल है सर? बस ठीक है, बढ़िया। आज तो विदाई है, आज विदाई है वाकई, दोबारा मिलने के लिए जरूरी भी है सर। चलिए नहीं मिलेंगे तो और किसे। अरे सर सो नाइस, चलिए सर फ्रेश हो जाइए आराम से, फिर आपको। अभी जी नमस्कार, वाह वाह वाह। हाँ एकदम, ये भी उठ जाते वैसे। हाँ उठ जाते हैं, उठ जाते हैं। वो कई बार कल जैसे गाड़ी उधर थी तो बहुत प्रॉपर जगह नहीं थी ना, इसलिए उठ के सब अंदर गाड़ी के ही हो जाता है। आज बहुत मतलब अच्छी जगह है तो बाहर आ गए। चलिए आप फ्रेश होइए, फिर मिलते हैं। ओके हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच। अरे सर ये कैंपिंग में ये बोलने का बनता ही नहीं, रात को मिले नहीं, लेकिन हमारी तरफ से नमस्कार। किनको? आपके माता जी मम्मी को। तो अभी थोड़ी निकल रहे हैं आप, थोड़ा सा तो बस अब निकल रहे हैं, उठ गए अभी निकले 10 मिनट में क्या अभी का टाइम। उजाला आपने तो बोला था, 15 मिनट में थोड़ा उजाला, थोड़ा सा उजाला हो जाए, थोड़ा इसको वार्म अप कर लें। ओ एकदम निकलते हैं, डन। जल्दी भी उठी हुई है। ओ चलो बातें आपको। हाँ पहले फाइनल तो नहीं, चाय पियेंगे ना, देर हो जाएगी। नहीं तो आप तो 15 मिनट में जाएंगे ना। हाँ, अरे तो आप, मैं पूछ रहा चाय पियेंगे बस। ठीक है जी, ओके।
तो सुबह सुबह के साथ जो चाय का आनंद है, गैस के नीचे कहाँ है, गैस के नीचे वो तो एकदम लाजवाब होता ही है। और आज तो क्योंकि मतलब यही परस्पर आपसी सहयोग से ही मतलब जीवन संभव हो पाता है, तो एक परिवार की तरह हो जाते हैं। और परिवार के बुजुर्ग जब कहीं जा रहे हों तो वो व्यवस्थित जाएं, ऐसी हम मतलब संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी बनती है। सो बस उनके लिए चाय बनाते हैं, हम भी पियेंगे, मतलब उनके बहाने हमें भी चाय मिल जाएगी। वैसे हम सुबह सुबह ऑल दो चाय पीते नहीं हैं। सो अंदर मतलब कई बार आपको लगता होगा, मतलब आपने हमारी कैरावेनिंग देखी जब हम अपने टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल करते थे, और अब हम इस ट्रक ओवरलैंडर में, ओवरलैंडर ट्रक में ट्रैवल कर रहे हैं। सो अंदर होने से खैर बहुत सारी चीज़ें सहज तो हो ही जाती है। एट टाइम्स हमें लगता है हम एकदम रेडी होके बाहर निकलते हैं, मतलब वॉशरूम, नहाना, सुबह का नाश्ता, और फिर अपने घर से, मतलब गाड़ी तो क्या बोलेंगे, अपने घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं। सो एट टाइम्स थिंग्स आर वेरी ईजी, हम लोग भी मतलब बहुत ही कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू प्रीवियस व्हीकल। स्पेस का फ़ायदा होता है, और बस एक हसीन सुबह है, सी बीच पास में है, सात्विक जी भी हरकत में आ गए। यही मज़ा होता है, मम्मा ने काम दे दिया, मम्मा बाहर चली गई, काम करते करते सो जाओ। काम करते करते सो जाओ, सबको बता रहे हो मैं काम करते करते सो गया था। स्कूल में भी ऐसे करते हो, पढ़ाई करते करते सो जाते हो? रात को पढ़ाई करते हैं। रात को स्कूल में कौन पढ़ाई करता है, सही बात है। तो चलिए जी फटाफट बनाते हैं चाय, और इधर श्रीमती जी लग गई हैं। एक खराटे सुनाओ ना, मोटे आम के, मोटे आम के खराटे, मोटे आम खराटे। एक दिन आपको आइए ना सर, आइए आइए, आप कैंपर वैन बैठेंगे तो कैंपर वैन बनवाएंगे ना? आपका लगेगा कैंपर वैन यस वंस तुम इधर आइए सर, आइए, मतलब हम फौज में बोलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, बैठिए, हमारे घर में आपका स्वागत। सर उधर बैठिए, उधर 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 सामने बैठिए, ये तो अभी सीट नीचे होगी ना, तब बैठिए। भाग्य, वाओ, मतलब आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। अरे नहीं, यू नो फीलिंग इट इन, काफी अच्छा काम हो गया। हां 10 दिन के में चेकिंग हूं, हां उसको कल किया था, वो चेक कर रहे हो अभी का दे रही हूं। वाओ बढ़िया है, मैंने सर आपका थोड़ा कोयला और ब्लू डॉट चुराया था। बिल्कुल आने के लिए पानी गर्म, एक बार आई एम ट्राइंग टू फिनिश ऑफ माय बाथरूम रिचुअल। हां अरे तो वो दे ना, इस पे गर्म कर देता हूं ना सर, सीख रहे हैं। अच्छा ठीक है, सीख रहे हैं तो सीख लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपके वो, ये नीचे आता है ना, ये नीचे चला जाता है, वो भी नीचे जाता है, ये भी नीचे जाता है, वो भी नीचे जाता है, आपके सिर के ऊपर जो है। ओके तो ये पैक हो जाता है। तो चलिए जी सुबह सुबह की चाय, वाह, देखा हमने बोला ना आपको लेट नहीं होने देंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ओह वाह, ये आखिरी हमारी, चीयर्स। मेरे ग्रैंडफादर घर में कोई भी कलर बेटी हो उनके पैरों को पत्थर तो चलिए जी यही जीवन है, बस मिलना बिछड़ना। और ये जो परिवार की यादें हैं ये आगे मिलने के लिए हमें और अधिक प्रेरित करती हैं। सो बस एक और विदाई कल मिलने के लिए। मतलब इसके बाद अंत जब होता है ना, सब चले जाते हैं, चले जाते हैं, चले जाते हैं। काष्ठम च काष्ठम च समेत्य महाधरो समेत्य च व्यपेयतम तद्वत् भवसागर। जैसे महासागर में दो लकड़ियां इकट्ठे आती है, इकट्ठे आके बिछड़ जाती, ऐसे ही भवसागर मतलब संसार है। सही बात है, मुझे सिर्फ दो ही संस्कृत श्लोक आते हैं उसमें से एक ही है। नाना धर्म निगूढ़ तत्व निचिता यत् संस्कृति राजते स्वयं भारत मुनितांत रुचिरा मातेव नः सर्वदा।
तस्य उन्नति हेतु भवतां ज्ञानम तथा मे बलम। नाना धर्म निगुण तत्व निचिता से भरी हुई अपनी भारत भूमि है, उसकी उन्नति के लिए मेरा ज्ञान और बल काम आ जाए। क्या बात है, ये है बस ये दो श्लोक आते हैं और हर जगह चलाता हूँ। हर जगह चलाता है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सचमुच दो श्लोक आते तो ये हो रहा है अमित भाई का सुबह सुबह का पानी गर्म। यस, वाह वाह, टर्किश बात। तो क्या ये देखिए, मतलब कितना अच्छा स्टोव है इसमें। व्हाट दे हैव डन, इसमें ये एक यूएसबी है, इसकी जगह सोलर भी लग जाता है। सोलर सुबह अंधेरा था तो इसलिए। हाँ, और नीचे एक फैन है, आप ऊपर लकड़ी डालते जाइए। सर ये कहाँ से, मतलब परचेस? ये अमेज़न पे है और मैंने कुमार सर को इसका लिंक भेजा है। बहुत बढ़िया, मतलब फॉर श्योर वी आर गोइंग टू परचेस दिस। इसका एक बड़ा भी आता है, इसका एक बड़ा भी आता है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि यूएसबी है। और इसका ना सर बाद में पैक होता है तो ये इसी भांडे में चला जाता है, और इसमें फोम लगा दो तो क्रिकेट क्रिकेट भी नहीं करता। ओके, ये पूरा इसके अंदर जाता है, ये पूरा इसके अंदर जाता है। नहीं पर ये अगर नहीं भी रखे तो इसके ऊपर कोई भी पतीला रखिए ना आप। हाँ, मतलब ये तो एज गुड एज सिगड़ी हो गया। खरीदा ऐसे था कि और ये कितने का आया लगभग? 1800। क्या बात कर रहे हैं। सो मित्रों, कुछ यूं शुरू हुआ हमारा आज का दिन इस बेहद खूबसूरत स्थान पे। और आज हमने पूरे दिन में क्या किया, कहाँ गए, कहाँ बढ़े, ये सब आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और हमें प्रोत्साहन देने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जल्द होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। क्या बात है, गुड मॉर्निंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सबके लिए कैंप के लिए पानी गरम कर रहे हो? नहीं, कैंप के लिए। सुषमा जी, गुड मॉर्निंग। वो वही है, 5 रुपए बकेट वाला। 5 रुपए? आप प्लीज मेरे लिए प्लीज वन बकेट। पर सर ये कितना कितना बढ़िया वो है, देखिए आग देखिए आप उसकी। क्या बोल रहे हैं सर? आप नहा लो, पैसा बाद में देखेंगे। नहा लो, नहा लो।